तो राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज ऐसे महान कलाकार से मिलवाएं जो एक परिचय के मोहताज तो नहीं है, जिन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत ही सुपर डुपर हिट सॉन्ग दिए हैं। आपने एक सॉन्ग सुना भी होगा, वर्ल्ड वाइड फेमस रहा, हट जा ताऊ पाछन है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करें, सर की पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो आइए हमारे साथ रामकेश जीवनपुर वाला। राम हेलो राम सर। जी। हेलो, आपको बुद्धि की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। तो सर, आपकी स्टार्टिंग कब हुई, आपके लिखना कब स्टार्ट किया, आपकी फुल जर्नी के बारे में स्टार्ट से बताइए। मुझे तो बचपन से ही शौक था, और बचपन से ही होता है, छोटे छोटे जब ये शौक लग गया था। हमारे गुरु जी रणवीर बुढ़वासनिया जी, वो एक बार हमारे गांव के पास आए थे, डलमोड़ा गांव है, हाँ जी तो वहां पर आए थे। उनको देख करके बस शौक लग गया, वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से खटक सी लगी। अच्छा, यानी आपने लिखना वहीं से स्टार्ट किया। हाँ, लिखना वहीं से स्टार्ट किया। पहला सॉन्ग कौन सा लिखा था आपने, जो आया या नहीं आया वो सॉन्ग? पहले मैं रागनिया लिखता था, अच्छा, रागड़िया गाई। रागनिया रागनिया काफी लिखी है, गाई तो नहीं मैंने खैर, लेकिन काफी सारी लिखी, कई कलाकारों ने गाई। उसके बाद फिर गाने शुरू किए, पहला ही गाना फिर ये था, हट जाता बोला। अच्छा, जो उस टाइम रागड़ी का दौर था, तो फिर सॉन्ग की तरफ आना, ये तो फिर पूरी हाँ, बस वो तो सेम। फिर इम्प्रूवमेंट होती रहती है ना, कि भाई जैसे जब मैंने डीजे पे कुछ गीत बजे तो उनको सुन के लगा कि हम भी ऐसा लिख सकते हैं, फिल्मी गाना की तरह गीत आ गए हमारे भी, तो उनको देख करके फिर हट जाता वो वाला गीत। वो पूरी एल्बम उन्होंने लिखी, पूरी कहाँ से हमारे छोटे भाई उसने गाया था उसको। स्टूडियो तो कैसे पहुंचे हुए उसका मिल? स्टूडियो तो हमें तो पता नहीं था कि ट्रैक क्या होते हैं, क्या कुछ है। हमारे मित्र हैं एक पवन गिल, तो उसको पता था, वो काम करता था ये, तो उससे मीटिंग करी हमने उसके, बल्कि वो भी काम छोड़ गया था, जो खेत में तो पकड़े हमने उसको। अच्छा, और फिर महा भाई हमारी कैसेट ने बोले, मना काम छोड़ दिया है भाई, हाँ, हमारी कैसेट बनवाए फिर छोड़ दिए फिर छोड़ भाई। दिए। लेकिन आज पवन गिल का बड़ा नाम है, वो डायरेक्टर है, अच्छा, बहुत अच्छे हुए हैं, हाँ तो उनका भी इंटरव्यू करके आना। हाँ उसका जरूर करके आए। तो कौन सी स्टूडियो था उसमें अपने रिकॉर्ड करवा दिए? कोकिला स्टूडियो, गुरु जी हमारे सतीश सहगल जी, जिनका बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, और मेरा गाना भी उन्होंने शुरू करवाया। उससे पहले मैं लिखता ही लिखता था, गाना हाँ, शुरू करवाने में सतीश सहगल जी का ही आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, उन्होंने ये करवाया। बहुत अच्छा सॉन्ग रहा, वर्ल्ड वाइड फेमस रहा। इसके दो बोल सुना दीजिए। हट जा ताऊ पाछे ने, नाचन दे जी भर के ने, ये था, बहुत बड़ा अच्छा अच्छा, गाया ये जी। आपके बॉलीवुड तक पहुंचे। अगर आपके वीर दी वेडिंग मूवी में आया, उस दिन आपका फोन आया, कॉल आया, तो क्या खुशी थी? खुशी देखो क्या होता है, पहले अच्छा लगे हुआ तो अच्छा तो लगता है, लेकिन है ना, अब क्या है, अब एक ऐसी स्टेज आ गई है, जैसे मेरे अंदर तो है कि अगर कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात हो, मुझसे ज्यादा कोई उसकी खुशी भी नहीं होती, हाँ, और कोई ज्यादा गम की बात हो तो उसका ज्यादा गम भी नहीं होता, बस बराबर सा होने लगे। आप मतलब है ना, कोई ज्यादा फर्क सा नहीं पड़ता। ठीक है, जो कोई आ गया तो उसके लिए काम कर रहे, नहीं आया तो भी खुश है, आ गया तो भी खुश है। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब स्टार्ट कर रहे? उस टाइम तो कोई सपोर्ट भी नहीं करता इस लाइन की तरफ तो कोई। सपोर्ट तो किसी के नहीं करते, हाँ और हमारे भी नहीं करे थे, हाँ लेकिन फिर किया, मेरे पिताजी ने, मेरे बड़े भाई साहब, उन्होंने सपोर्ट किया और मेरे को पैसे भी दिए, फिर मैंने वापस भी दिए उनके, हाँ और अब सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो फिर आप सिंगिंग की तरफ आए, राइटरी तो करते थे आप, तो आपका पहला सॉन्ग कौन सा गाया आपने जो हिट रहा हो? काफी सारे गीत आए, मेरी पहली एल्बम आई थी नया जमाना, जो मेरी गाई हुई थी, हाँ जी, उसको अच्छा पसंद किया लोगों ने, और उसके बाद एक मीठी गोली एल्बम थी। उस पहले एल्बम में कौन सा सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो? मेरा फेवरेट था, ना पहले आला खाना, ना पहले आला बाणा, ना किसे ते शरमाना, जीने खाड़े हो गए रे, लगया फैशन आला, रोगिया गाते उगाड़े हो गए रे, ये मेरा उसमें गीत था और बड़ा पसंद किया, मैं इसको खूब गाता भी था। अब भी एक आध बार कहीं फरमाइश आती है तो गा देते हैं इसको। मैंने तो आपका वो सॉन्ग अच्छा लगता है, पहले आली हवा रही, उसमें मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है। आपको क्या लगता है, पुरानी जो चीज थी उनमें से क्या चीज मिस करते हुए ये चीज होनी चाहिए? पुराने समय में ना एक दूसरे को बड़ी चाह थी, आपस में प्यार प्रेम ज्यादा था, मतलब एक दूसरे से मिलने की बड़ी उमंग होती थी, आनंद होता था, वो चीज खत्म हो गई है अब। मतलब वो थोड़ा आपस में, मान लो हम कई दिन किसी से नहीं मिलते थे तो मन में एक भाव हाँ होता था, हाँ मिलेंगे यार, एक अलग ही आनंद था।
आजकल ये फोन का जमाना आ गया, इससे है ना बस फोन में वो चीज खत्म हो गई। हम रिश्तेदारी में जाते थे कहीं तो दो दो चार चार दिन तीन तीन दिन में, अब कोई जाता ही नहीं, और जाम है तो घंटा आध घंटा जाते रहते हैं। वो नहीं रहा, मतलब जीवन है ना भाग लिया है, और वो मतलब पुराना जो वो मजा आ नहीं है। पहले वाली बात नहीं है, पहले वाली वो नहीं जीवन। इसके दो बोल तो सुना दे। पहले वाली हवा रही ना, पहले वाला पानी होगी खत्म, कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। बहुत अच्छी आवाज है आपकी। आपका इस मीठी आवाज का बता, कितने समय तक रियाज करते हो, किस टाइम करते हो? ऐसा है, रियाज भी तो बहुत कम होता है, अब तो हिमालय प्रोग्राम पे रियाज हो गए क्योंकि प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन जब मैंने गाना शुरू किया, रियाज किया, गुरुजियों ने मेरे को हारमोनियम लेके दिया, उस पर अब भी जब समय लगता है तो बैठ जाते हैं। रियाज का भी मुझे नहीं पता कैसे होता, बस ठीक है कुछ बजाना तो उसके साथ गा लेते हैं। और ज्यादा मतलब हम लोग हैं भाई, ज्यादा बड़े गायक हैं ऐसा कुछ नहीं है, और तो होता रहता है। तो आपकी जिंदगी का कौन सा पल था सर जो अपने भाई लग रहा वो नहीं होना था मेरे साथ, या मेरे साथ हो गया किसी के साथ ना हो? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा कि भाई जो मेरे साथ हुआ ना हो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कुछ चीजें थी पहले, उसी के भी नहीं, मुझे क्या है अब समझ में आती बातें। जैसे मान लो पहले कुछ चीजों से मुझे बहुत दुख हुआ, तो अब आके समझो अगर वो नहीं होती तो आज ये नहीं होता। स्ट्रगल टाइम में होना चाहिए थोड़ा, नहीं होना चाहिए। जैसे मैं जब रागनिया गाता था तो रागनिया में हमारे भाई जितेंद्र पड़ानिया, तो वहां से जब मैं उनसे मतलब इस लाइन में आया तो बड़ा दुख सा हो गया था कि भाई मैं उनके पास रहता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन वहां से अगर नहीं आता तो फिर यहाँ कैसे आता? ये तो फिर जैसे विकास और मैं इकट्ठे रहते थे, जब विकास और मैं अलग हुए तो विकास अलग आने का तब बहुत दुख आया था। तो भले ही दुख आया लेकिन आज अच्छा लगता, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं गायक भी नहीं बनता। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा ही होता जो भी होता, बस ये सोचने का फर्क होता है। इसलिए वो भाव खत्म हो गया, अब कोई अच्छा बुरा कुछ ऐसी बात नहीं है, जो ऐसा ही तो रहा हमारे हाथ में नहीं है। तो अच्छा ही होता, अपना कर्म करते रहते हैं, कर्म करना हमारे हाथ में, कर्म करेंगे तो हमें फल भी मिल जाएगा। तो इच्छा रखनी ही नहीं किसी चीज की। तो सर आपकी दो बैड हैबिट बताओ जो आपको भाई छोड़ना चाहते हो, या मैं तो छोड़ दूंगा या लेट उठना या आपको बैड हैबिट भी नहीं कह सकते। जैसे मैं चाहूँ मैं सवेरे जल्दी उठ के थोड़ा वॉकिंग करें, रेस रास करें, ऐसा करें, पर वो नहीं पाता क्योंकि शेड्यूल नहीं बन पाता। कई बार मान लो मैं एक दिन चला गया तो दो तीन दिन का क्या पता बाहर चले गए, या फिर प्रोग्राम मत आए, हम तीन बजे चार बजे तो कहाँ उठा। तो मतलब एक शेड्यूल सा बनना चाहिए, वो बन नहीं पाता। ये मतलब मन में है कि ऐसा हो, स्टार के लिए थोड़ा होना, जैसे थोड़ी, अरे नहीं क्या वो स्टारों के लिए होती है ना, ना 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 हम स्टार हम तो ठीक है, हमारे कुछ लोग सुन लेते हैं वही बहुत है, स्टार बनने की। तो दो गुड हैबिट नहीं, गुड तो ऐसी कुछ खास है नहीं कि भाई गुड, वो मुझे पता भी नहीं क्या है। अच्छा अच्छा, वो तो आप लोग जाने या फिर हम जानते कोई ऐसी। तो सर आपके परिवार में कौन कौन? परिवार में सब हैं, मैं माँ है, बाप है, भाई है और बच्चे हैं, सब है, सब है। आपकी बिटिया भी गाती है बहुत, मैं सॉन्ग सुने बहुत अच्छे। हाँ, देशभक्ति गीत गाती है, देशभक्ति कवि कवि और बहुत अच्छा गाती है, और उसके कई सॉन्ग आ चुके अच्छे, देशभक्ति देशभक्ति के ही गाती है वो, और भक्ति के बस, और अच्छा लगता है, बच्चे के नाम से भी हमें जाना तो अच्छा लगता है, उसको पूरे देश में सुना जाता है। हाँ, पूरे देश में अच्छा लगता है। तो सर आप जैसे आप दादा जगन्नाथ उसका नाम आता तो आपने बताइए, आज उस यहाँ हमारे बीच में तो नहीं है बट जहाँ भी स्वर्ग में हो, बट आपका उसके साथ थोड़ा मेल ताल थोड़ा अच्छा था साथ? अरे हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि हम उनके पास मतलब तीन चार साल उनके सत्संग में उनके चरणों में रहने का मुझे मौका मिला। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ अपने आप का, और वो मतलब उनसे सीखने को इतना मिला उनका आशीर्वाद से है ना, एक डर खत्म हुआ हमारे अंदर से, बे मतलब का डर रहता था पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो डर खत्म हो गया दादाजी के पास जाने से। उन्होंने बताया कि क्यों डरता है, अपना कर्म कर डराने का क्या करना। जब उनकी बातों पे हमने ध्यान दिया तो फिर सब कुछ सही भी हो गया, और बहुत अच्छा लगा। उनकी बातों से ही पता चलता है,
उनके चार भजन सुन लो आदमी मर्डर खत्म हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए बंदे कमाल। वो तो गजब थे, यहाँ के आदमी नहीं थे वो, कोई मतलब ना कोई अवतार आए थे और अब भी यही है, अब भी यही है, तो अपने बीच में है, उनके विचार तो यही है ना, सब बस विचार ही रहते हैं इंसान, एक एक शब्द में पूरा बिल्कुल बिल्कुल उनके सीखने को मिलता। ये मेरा सौभाग्य ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके सत्संग में रहने का मौका मिला। तो सर आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में और बताओ, कब तक कौन से कौन से? अभी एक गीत आया मेरा ड्रामेबाजी, दो बोल सुना दी। या दुनिया एक रंग मंच सब रोल निभावन आवे, ना अपना देखे खोट कोई दूजे पे दोष लगावे, और रब काले में नाम ये बंदे अपने रंग में राजी, दंग होया दुनिया की देख ड्रामे बाजी, दंग होया दुनिया की। ये प्रिंस ने और मैंने गाया है और रोहतास गगशिनिया भाई उसने लिखा है इसको, और अच्छा है, अभी वीडियो आ गया इसका माफी फिल्म के ऊपर। कौन से चैनल पे है? माफी फिल्म। अच्छा माफी चैनल है। पहला ये उसके आगे कोई मूवी आनी हो? हाँ अभी मूवी आ रही है लक्ष्मी चंद्र यानी 14 फरवरी को उसकी वो है तो, रिलीज डेट है। हाँ तो वैलेंटाइन डे को। अच्छा प्रिंस उसमें हीरो है और काफी हरियाणा के अच्छे अच्छे कलाकार बॉम्बे के भी हैं, हीरोइन हमारी बॉम्बे से है नाजमीन खान, पंजाब के भी आर्टिस्ट हैं उसमें, उसमें बड़े 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 सिंगरों ने गाया, अलका याग्निक जी ने भी गाया है, कई सारे सिंगर हैं बहुत अच्छे। हाँ जी, हरियाणवी इंडस्ट्री में आजकल नए नए बच्चे आ रहे हैं, आपको किसका काम अच्छा लग रहा है? देखो सब अपना अपना काम अच्छा करते हैं, जो अच्छा करता है उसको लोग ही अच्छा बता देते हैं, मेरे कहने से कोई अच्छा बुरा नहीं होता, और सब अपना अपना अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, अच्छा कर रहे हैं सारे, और जो करेगा वो यहाँ रुका रहेगा, जो ना करेगा वो अपने यहाँ से आउट हो जाएगा, तो कहने की जरूरत नहीं, मेहनत जरूरी है। हाँ वो अपने आप ही करते हैं सब, अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब, बढ़िया कर रहे हैं। तो लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों ने तो मैं क्या कह सकूंगी, दर्शक तो खुद समझदार है, मतलब अच्छी चीजें देखो, अच्छी सुनो, अच्छे विचार बनाओ, क्योंकि विचारों से जीवन चलता है, और बढ़िया अपना जीवन में है ना, यहाँ आए हैं तो यहाँ कुछ ऐसा करके जाएं कि भैया याद रखें लोग, भैया ही कहते हैं। तो थैंक यू सर, इतना थैंक यू आपका बहुत देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हरियाणवी संस्कृति को फैला रहे हो, और भाई भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर, और शेयर भी करना इनको, और अच्छे अच्छे विचार लाते रहेंगे भाई, हमें हमारी दुआएं हैं आपको। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कलाकार से, तो तब तक दे इजाजत।